देखिए आप सभी जो है वॉइस जो है थोड़ा कमी आ रही होगी, बट यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स जो है जमा हो गए। आराम से तू पीछे जा थोड़ा। यार मैं समझ बुरा अमना बल्कि कितना ही पाएगा कम खाना क्या तस्लीम है करनी तमने आखिर की क्या तस्लीम है करनी तमने कल उस वेले कोई मंगनी हमने आखिर हकीकत तस्लीम करनी तमने जो 370 था वो कोई मुसलमानों की चीज नहीं थी। वो राजा हरि सिंह ने यहाँ के लोगों को तब एक तोहफा दिया था ताकि बाहर के लोग हमारी जमीन पे कब्जा ना करें, हमारी नौकरियों पे कब्जा ना करें, मगर इन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। आज जम्मू के हिंदू भी सर पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि रेत हो बाजरी हो बाहर से ठेकेदार आता है, शराब की दुकान हो बाहर से ठेकेदार आता है, कोई और चीज हो काम हो बाहर से ठेकेदार आते हैं क्योंकि वो ठेकेदार अपना कमीशन उनको ऊपर से दिल्ली में ही देते हैं। इसलिए आज जम्मू का डोगरा वो भी रो रहा है, दरबार मुंह बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, दुकानें वहां उनकी खस्ता हो गई हैं, रिलायंस की दुकानें वहां खुल रही हैं, तो खाली आज कश्मीरी नहीं रो रहा है, आज सब लोग रो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोगों को तंग किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहने आई हूँ, मैं तो निकली हूँ सर पे कफन बांध के, मैंने कहा है कि जो चीज जो इज्जत जो चादर जो पगड़ी आपने हमारी उछाली है आपको कान पकड़ के नाक रगड़ के बीजेपी वालों वो हमारे सर पे वापस रखनी होगी। और उसके साथ जो खसारा हुआ है वो भी अदा करना पड़ेगा, ये वक्त भी आएगा। ये नहीं सोचना कि ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं ऐसे कोई बात नहीं करती। मैंने जब कहा था मुजफ्फराबाद रास्ता खुलेगा तो लोगों ने कहा था ये मजाक कर रही है, मगर उसके बाद मुजफ्फराबाद रास्ता भी खुला, रावलाकोट भी खुला। आज जब मैं आपसे कहती हूँ जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे हिंदू मुसलमान सिख कि हमसे जो छीना गया है वो हमने वापस लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आप कहो कि हमने 370 को क्या करना है। भाई 370 आपकी शिनाख्त है, 370 से आपकी जमीन आपकी है, 370 से आपकी नौकरियां आपकी है, नहीं तो उसका हिस्सा भी बाहर जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हमारी रेत भी लेके जाते हैं बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, जो बाजरी या रेत की गाड़ी 5,000 में मिलती थी आज 15,000 में मिलती है, 20,000 में मिलती है, सब चीज पे कब्जा की। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करने आई हूँ कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेली नहीं लड़ सकती, मुझे तो गेट पे ताला लगा के बंद कर देते हैं 5 मिनट के अंदर, मगर अगर आप लोग मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाओगे, मेरे साथ खड़े हो जाओगे, मेरे पीछे खड़े हो जाओगे, जैसे अनीता ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको सलाम करती हूँ, पता नहीं पीछे बैठी हुई है, इसको समझ आ गई 370 मुसलमानों की जागीर नहीं है, 370 हिंदू के लिए भी इतना जरूरी है जितना मुसलमान के लिए, जितना सिख के लिए, क्योंकि आपकी जमीन भी आपकी है,
आपके बच्चों को नौकरी चाहिए, उसका हिस्सा बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीन बाहर नहीं जानी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, डोगरे हैं, कश्मीरी हैं, गुजर हैं, पहाड़ी हैं। इसलिए ये लोग जो मेरी बहुत करते रहते हैं, इसने ये किया मैं क्या करूं। हमारे बड़े बड़े लीडर भाग गए, मगर मुझे खुशी है मेरा वर्कर अगर रूठा भी होता है, जब सुनता है मैंने आना है तो आ जाता है। उसको मैं सलाम करती हूँ, इसको मैं सलाम करती हूँ। और आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। दरअसल वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया हमें किश्तवाड़ में, डेपुटेशन भी थे उनसे भी मिले। मुझे मालूम है आपकी बहुत मजबूरियां हैं, मुझे मालूम है आपकी बहुत मुश्किलात हैं, राशन के हवाले से, पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, सबसे बड़ा रोजगार के हवाले से। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ बड़े मसले अगर हल हो जाएंगे तो ये छोटे मसले भी उसी के साथ हल हो जाते हैं। जब हम कहते हैं इनको 370 वापस दो, हम इनको कहते हैं हमारे पानी के पावर प्रोजेक्ट भी वापस दो। पावर प्रोजेक्ट वापस मिलेंगे, अगर नहीं देते तो हमारे नौजवानों को 90% नौकरी दो। क्यों नहीं देते हो, क्यों बाहर से लोगों को लाते हो, क्यों यहाँ के नौजवान को तनख्वाह कम देते हो और बाहर के नौजवान को ज्यादा देते हो, क्यों चिट्ठियों पे लोगों को रोजगार देते हो, गरीब को पूछते नहीं हो। तो इन सब बातों का इलाज हो सकता है। मैं फिर से यहाँ जो मुंतजमीन है, तालिब है, रहमान कश्मीरी साहब हैं, बाकी जितने भी यहाँ हमारा ग्रुप है, यहाँ के लोग हैं, मैं तो हम ये तो इनको उम्मीद नहीं थी छाटली में इतने वर्कर जमा होंगे, क्योंकि मुझे कह रहे थे छाटली में क्या करना है, क्या करना है। मैंने भी जिद पकड़ी, मैंने कहा नहीं छाटली में मैं मुझे जरूर रुकना है, अगर कुछ नहीं तो मैं कम से कम उस डाक बंगलों में बैठ के दरिया के किनारे एक कप चाय पी लूंगी। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर ये छोटे छोटे बच्चे, इनको नींद आ गई है, यहाँ पर बैठे हैं सुबह से। आप सबको मैं सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा साथ दोगे क्या, साथ दोगे? नहीं, ये जवान हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, साथ दोगे ना मेरा? अब अगर मुझे अंदर भी करेंगे मगर बाहर आपको आवाज अंदर रखेगी। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की